राम राम सारा ने। और आज है 22 अक्टूबर, टाइम हो गया सुबह के 4:15 और बाइक अपनी पूरी लोड हो चुकी है। आज हम निकल रहे हैं चरखी दादरी से कुछ एक सप्ताह की रोड ट्रिप के लिए। तो ऐसा सा कुछ अभी लग रही है अपनी बाइक, तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत जर्नी की और मिलते हैं रोड पे आपसे। तो बोल शंकर भगवान की जय। आ चुके हम अब अपने घर से निकल के रोड की तरफ, और जैसा कि मैंने बताया आज हमारी रोड ट्रिप शुरू हो रही है। तो चरखी दादरी से हम निकल लिए हैं, टाइम थोड़ा सा लग गया, 4:45 हो गए हैं अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज का जो डेस्टिनेशन रहेगा वो बड़ा ही शानदार रहने वाला है, आप देखोगे तो आपको भी काफ़ी रोमांचक लगेगा। और अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आज अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। डिस्टेंस वाइज है लगभग 260 किलोमीटर, और टाइम देखते हैं भाई, दो रास्ते हैं, कौन से निकले हैं वो तो अभी थोड़ा सा मैंने डिसाइड नहीं किया है, अभी मैं डिसाइड करूँगा। एक मन कर रहा है उधर से जाऊं, एक मन कर रहा है उधर से जाऊं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ऐसी कुछ अपनी चरखी दादरी के नज़ारे हैं। अरे यार ट्रिप मीटर तो शुरू ही नहीं किया। तो भाई 12,830 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ट्रिप मीटर कर दिया हमने 0। अब निकलते हैं, भूल गया यार, पेट्रोल अपन ने कल अपना फुल करवा लिया था तो थोड़ा सा कल घूमे, तो अभी एक डोटी कम हुआ है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा देख लेंगे रास्ते में, अभी तो बहुत पेट्रोल पंप पाएंगे, जहाँ भी मन करेगा रोक के अपना रिफिल करवा लेंगे। नज़ारे तो अभी आप क्या ही देखोगे, मॉर्निंग के 4:45 हुए हैं, कुछ दिखता है नहीं इस टाइम पे। बाकी ट्रिप के बारे में बताऊं तो अपनी 7 दिन की ये रोड ट्रिप रहने वाली है। डेस्टिनेशन मैंने 3-4 डिसाइड कर रखी हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले ने साथ दिया, तो इस ट्रिप पे काफ़ी शानदार मज़े आने वाले हैं मेरे को भी और अपने चैनल के थ्रू आपको भी। अगर सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। डेस्टिनेशन तो अभी थोड़ी सरप्राइज है, मैं देखता हूँ एक बार ना, क्योंकि आजकल रास्तों का पता नहीं है कहाँ जाके कहाँ रुक जाए, आप समझ गए होगे भाई, रास्ते खराब कहाँ मिलते हैं, मतलब पहाड़ों में। ये मैं आपको बता देता हूँ, जा रहा हूँ मैं पहाड़ों की तरफ, बाकी लोकेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अब यहाँ से सीधा चलते हैं और मिलते हैं आपसे लगभग 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी कुछ ऐसा माहौल है नहीं भाई जो आप लोग देखो बोर ही हो गए। तो मैं चलाता हूँ थोड़ा सा, सुबह सुबह ट्रैफिक भी कम होता है तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं, और जैसे ही सनराइज होगा मैं आपसे मिलता हूँ। तो तब तक बने रहिए चैनल पे और लाइक ठोक दिया भाई सारे। तो भाई पहुंच गए हम एक शानदार रोड पे, इस रोड को देख के मेरा मन कर गया आपको ना दोबारा बात करने का, भाई बड़ा ही शानदार रोड है यार, है ना। अब देखते हैं कहाँ तक चलेंगे इस रोड पे, पहचान तो गए ही हो गए, नाम मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा रोड है ये और कितना लंबा है और कितना डिस्टेंस है यहाँ से, वेट कर रहा हूँ मैं, बताओ आप। थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया है और 80 किलोमीटर हम अपने घर से आ चुके हैं, टाइम हो गया है 6:17। अब तक की जर्नी काफ़ी शानदार रही है, बाइक अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ऐसा कुछ सुबह का दृश्य है भाई आप देख पा रहे होगे।
और जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अभी ये आज की डेस्टिनेशन लगभग लगभग 200 किलोमीटर और है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने सोचा था आज के लिए डेस्टिनेशन के लिए, तो थोड़ा सा उससे मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि रोड काफ़ी शानदार है। और अब अपने जो टाइम हमने सोचा था उससे आगे ही चल रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से ऐसा मेरा मानना है कि आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ शानदार दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये अपनी पहली सोलो ट्रिप है, पहले भी राइड मैंने काफ़ी की हैं। अगर शुरुआत से आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता ही है, नेपाल राइड की हमने लास्ट ईयर, उससे पिछले साल मैं गया था यही अपनी बुलेट से कारगिल तक, और एक हमने राइड की थी टहरी गढ़वाल की, वो भी अपनी इसी बाइक से की थी। तो आगे भी आने वाले टाइम में आपको कुछ और शानदार राइड्स का आनंद लेने का मौका मिलेगा, तो चैनल के वो सब्सक्राइब कर लो, और भाई भर भर के कमेंट आने दो। दोस्तों कैसा लग रहा है, मौज आ रही है ना पूरी? तो भाई राइड अपनी चलती रहेंगी, स्पोर्ट थोड़ा बनाए रखो। देखो दृश्य है कितने शानदार, आपको सुबह सुबह के दिखाए जा रहे हैं, तो कुछ तो फर्ज आपका भी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लो मुझे आगे की ट्रिप के। ये अपना शानदार वही वाला 152D, सुबह सुबह सूर्य देवता धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, तो देखो और सब्सक्राइब करो चैनल भाई। वही माहौल कुछ ऐसा है कि हमें तो भूख लगी नहीं, लेकिन अपनी बुलेट अब कुछ डिमांड कर रही है। वैसे मैं अपडेट दूँ तो टाइम हो गया है 7:50 और हम घर से आ चुके हैं लगभग 185 किलोमीटर। अब एक बार बाइक को रिफिल करवाते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे, ये बहुत ज़रूरी है भाई, बाकी सब देखा जाएगा। पेट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस है यहाँ 97.32।97.32। अम्बाला कितना रह गया यहाँ से? 23। 120। 9.64। तो भाई अम्बाला हमने कर दिया क्रॉस, और टाइम हो गया है 8:45। अभी मैंने थोड़ा प्लान चेंज किया है, तो डेस्टिनेशन हमने चेंज कर दी आज की, और अगली डेस्टिनेशन है यहाँ से 170 किलोमीटर। गूगल मैप के हिसाब से टाइम है 3 घंटे 18 मिनट। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, अब थोड़ी सी भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई है,
और धूप काफी अच्छी निकलाई है। घर से हम आ चुके हैं 212 किलोमीटर, 5 बजे चले थे, लगभग 4 घंटे में 200 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। और सामने देखो आप नज़ारा कितना शानदार है, कितना अच्छा पुल बना हुआ है। अब तक का रोड काफ़ी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं आई अब तक अपने को, और अच्छा चल रहा है। बाकी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो अपडेट तो मैं आपको देता ही रहूँगा। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर पुल, अच्छा लग रहा है देखने में। और सुबह सुबह की राइडिंग का यही अच्छा फायदा है कि आप थोड़े कम समय में ज़्यादा किलोमीटर कवर कर लेते हो, ट्रैफिक वगैरह कम होता है, स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाती है। तो गूगल मैप लगा लिया है, इसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। टाइम तो वैसे 12 बजे का दिखा रहा है, लेकिन अपने को 12 बजे पहुंच के क्या करना है भाई, आराम से चलेंगे। एक सप्ताह अपने पास ही है, धीरे धीरे प्यार से 70-80 की स्पीड से चलेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ लगभग 9:30 बजे के आसपास एक ब्रेक लेंगे, 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे, खाना खाएंगे, और 1 घंटे में लगभग अपना 85 किलोमीटर और कवर कर लेंगे। फिर अपनी डेस्टिनेशन मात्र 120-125 किलोमीटर के आसपास बचनी चाहिए। बाकी देखते हैं, जैसे भी अगर बीच में मुड़ गया तो बीच में भी रुक जाएंगे। सोलो राइड का सबसे अच्छा फायदा यही है कि आपको किसी का वेट नहीं करना, आपका मन करे तब रुको, मन करे तब चलो, धीरे धीरे चलो, स्पीड में चलो। आपको किसी दूसरे की ना वेट नहीं करना है कि भाई अगला धीरे चल रहा है कि अगला तेज चल रहा है, ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ठीक है, जुड़े रहो आप, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अभी यहाँ से कोई राइट टर्न दिखा रहा है, ये कहाँ लेके जाएगा देखो। ये तो भाई हाईवे से उतर के हम छोटे रास्ते पे आ गए हैं, अब यहाँ धीरे धीरे चलना पड़ेगा भाई, यहाँ स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। बाकी हो सकता है आगे मैप दिखा तो रहा है 800 मीटर बाद दोबारा कोई हाईवे आना है, तो देखते हैं। बाकी ये रोड भी अच्छे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने चलेंगे आराम से प्यार से। आ ही गया भाई, फ्लाई ओवर आ गया, तो यहाँ कहीं ऊपर चढ़ना है, किधर लेके जाएगा देखो। फ्लाई ओवर के नीचे से राइट टर्न, किसी गांव में घुस गए हैं भाई, भैंस अपना पानी पी रही हैं, हम अपना घूम रहे हैं। ये हाईवे दिखा रहा है, दिखा किधर लेके जाएगा, गूगल मैप भी कई बार धोखा दे देता है भाई, कहीं जाना होता है कहीं पहुंच जाते हैं कहीं। टाइम हो गया है 9:40 और ब्रेकफास्ट अपना हो गया है, पराठे खा लिए हैं दो, अब पेट को कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली है। और डेस्टिनेशन की बात करें तो 164 किलोमीटर है यहाँ से, गूगल मैप के हिसाब से टाइम 3.25 घंटे, बाकी 5 घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से, धीरे धीरे करके, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है।
चाय वाय पी ली है, अब ब्रेक कोई लेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे 70-80 पे और पहुंच जाएंगे आराम से। रोड ठीक है, इसी रोड पे चलना है अपने को 39 किलोमीटर। तो अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि आज की डेस्टिनेशन कहाँ है, तो अगर आपको पता लगा हो तो कमेंट करके बताओ कि भैया आज हम कहाँ जा रहे हैं और आगे की जो भी जर्नी है, अगर कुछ आइडिया लगा हो तो उसके बारे में भी बताओ। बाकी बाइक की बात करूँ तो बाइक अपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वैसे तो अभी सिंपल रोड है लेकिन फिर भी कोई थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी तक। तो रोड पे अपने को लगभग 5 घंटे हो गए हैं, सुबह चले थे अपन 5 बजे और 9:45 का टाइम हो गया है। मौसम ठीक है, धूप बीच बीच में आ जाती है चली जाती है, ये ऐसा सा कुछ दृश्य है भाई। आशा करते हैं थोड़ी बहुत देर में पहाड़ वहाड़ दिख जाए तो आपको फिर पहाड़ियों के दर्शन करवाएंगे। अभी तक तो यही भाई सिंपल अपने रोड चल रहे हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं मोहाली, ये कुछ शानदार दृश्य मोहाली का, ऊपर फ्लाईओवर, नीचे बढ़िया अच्छी छांव है, धूप का कोई नाम निशान नहीं। बाकी देखो बोलते ही खत्म हो गया, टाइम हो गया है 10:25, डेस्टिनेशन है अभी 124 किलोमीटर। ये चंडीगढ़ वाला रास्ता ले लिया है हमने, अब ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है यार धीरे धीरे करते करते ना, बहुत भीड़ होगी रोड पर। बाकी ठीक है, सुबह से अकेले चल रहे थे, अब लोगों को देख देख के टाइम पास हो जाता है बाइक पे। तो भाई सामने बोर्ड देख पा रहे हो, अमृतसर 210, मनाली 292। फगवाड़ा 112 और रूपनगर 27। ये हाईवे बढ़िया है, वो बीच में मैं उधर से अम्बाड़ा से चंडीगढ़ नहीं गया, चंडीगढ़ के साइड से बाईपास आ गया, तो वो थोड़ा सा रोड सिंगल था लेकिन ठीक था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसमें जाते तो शायद चंडीगढ़ क्रॉस करनी पड़ती, अब चंडीगढ़ साइड में ही रह गया तो थोड़ा टाइम भी बच गया अपना। जो स्पीड वहाँ कम थी वहाँ यहाँ थोड़ा खींच लेंगे, वो कवर अप हो जाएगी। तो यहाँ हो तो ये KFC वगैरह सब कुछ है, इधर सब हुए है राइट साइड में। सामने देखो दोस्तों पहाड़ पहाड़ और पहाड़, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, तो बाकी का रखते हैं अगले व्लॉग के लिए। पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, जुड़े रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल अब जल्दी जल्दी।